चलें जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, हाँ बॉय, फ्यूरी का बताओगे कौन सा है? चौथा आएगा। लेक्चर नंबर 4, थ्योरी। कैफ 6, एमएफए टॉपिक हमारा चल रहा है स्वॉट एनालिसिस का। हम लोग पढ़े हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी सर, स्वॉट एनालिसिस के अंदर 4 बातें कौन कौन सी होती थी? हाँ लड़के, स्वॉट एनालिसिस के अंदर 4 बातें कौन कौन सी होती थी? स्वॉट एनालिसिस, जी भैया, ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को 4 हेडिंग्स के अंदर स्प्लिट कर ले। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 चीजों की आइडेंटिफाई कर ले। पहली चीज के जनाब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, इसके प्रोडक्ट क्यों बिक रहे हैं, लोग इससे माल क्यों खरीद रहे हैं, स्ट्रेंथ। सेकेंड क्या है मेरे पास, वीकनेस। थर्ड क्या है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी। चौथा क्या है मेरे पास, थ्रेड। ऐसा ही है, हमने बोला था जनाब स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये कौन सा मैटर है इंटरनल, ये कौन सा मैटर है एक्सटर्नल। ऐसा ही है जी जनाब। हम लोग किताब से रीडिंग कर रहे थे और मैंने बोला था जनाब ये जो स्ट्रेटजी टेक्स्ट की रीडिंग है ये हम क्लास के अंदर करेंगे और बार बार फिर आप इसको नहीं करोगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप क्या रीड करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे जनाब, आप समरी पढ़ा करेंगे और जो उसके केस स्टडी मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक हो गया। चले सर, हम लोग किताब से स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे थे, आज इसको खत्म करना है। कौन से पेज पे थे जनाब? हम लोग पेज नंबर 6 पर आ गए थे। ऐसा ही है, पढ़ते पढ़ाते हम लोग कहां पर आ गए थे जनाब? पेज नंबर 6 पर आ गए थे। चले बॉस पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। हाँ, अंग्रेजी लिखी है पक्का ना? हाँ लिखनी है भाई, अंग्रेजी लिखनी है। चले सर पढ़ते हैं भाई, पेज नंबर 6, इवेल्युएशन रिसोर्स। इवेल्युएशन जनाब, आपको जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, उसको चेक करना है, असेस करना है। हैविंग आइडेंटिफाइड इट्स की रिसोर्सेज, मैनेजमेंट कैन इवेल्युएट देम एंड द एंटिटी टू एबिलिटी यूज देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू क्रिएट वैल्यू कॉम्पिटेंस। अ सिंपल फ्रेमवर्क फॉर द इवेल्युएशन रिसोर्सेज इज द वायरो फ्रेमवर्क। एक इवेल्युएशन के लिए ना एक वायरो। मुझे एक बात बताओ, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा सर ये अच्छा एम्प्लॉई है बुरा एम्प्लॉई है? सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा जनाब ये अच्छा एम्प्लॉई है बुरा एम्प्लॉई है? अच्छे एम्प्लॉई को रोका जाए, उसको बेनिफिट दिया जाए, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, उसको इंक्रीमेंट किया जाए, उसको प्रमोशन किया जाए। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अप्रेजल प्रोसेस आता है। अप्रेजल का मतलब इवेल्युएशन प्रोसेस आता है। हर साल के एंड पे एम्प्लॉई को इवेल्युएट किया जाता है कि भाई आप अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे बंदों की तलाश होती है। ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अच्छे बंदे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है, सक्सेसफुल रहती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अच्छे बंदे नहीं है, जो पर्ची पाए हुए हैं जनाब, वो ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। चले सर आगे, एक इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया वायरो करके, एब्रिवेशन है VIRO। कैसे? वी फॉर वैल्यू, डज द रिसोर्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि जनाब हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। इन्होंने बनाया जनाब VIRO, इसके तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करें। वी फॉर वैल्यू, ये बोल रहे हैं जनाब आप जरा चेक करें, डज द रिसोर्स प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अंडरलाइन करो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब, क्या आपकी रिसोर्स कोई ऐसा काम कर रही है जिससे आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज हासिल है, यानी कि लोग आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिसोर्स है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल सर हमने बोला जनाब कि अगर मैं बात करूं जनाब इवेल्यूएशन प्रोसेस का, तो KFC के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर वहाँ पे जो स्टाफ का बिहेवियर है वो जनाब एक अच्छा प्रोडक्ट के अंदर, उनके प्रोडक्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू एनहांस करना होता है। एग्रीड? आगे सर, उसके बाद है मेरे पास I, इंटेम्पिलिटी।
इमिटेबिलिटी वुड इट बी कॉस्टली फॉर द कॉम्पिटिटर टू इमिटेट द रिसोर्स और एक्वायर इट. रेयरिटी डज कॉम्पिटिटर्स ओन सिमिलर रिसोर्सेस और आर द रिसोर्स यूनिक. ऑर्गेनाइजेशन इज द एंटिटी ऑर्गेनाइज टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्स टू द बेस्ट एडवांटेजेस. जी सर, क्या कह दिया इन्होंने जी. बहुत आपको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है कि जनाब आपका रिसोर्स जो है वो किस किस्म का है. क्या वो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू इन्हांस कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू इन्हांस कर रहा है, क्या वो क्या उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्या कॉम्पिटिटर उसको एक्वायर कर सकता है, क्या जो है वो रेयर रिसोर्सेज है, वो रेयर रिसोर्सेज है, यानी कि वैसे कॉम्पिटिटर के पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास अवेलेबल है. लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, आपके पास वो टेक्नोलॉजी, आपके पास कॉम्पिटिटर के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और वो एक कॉस्टली भी है. वो टेक्नोलॉजी जो है वो आपका कॉम्पिटिटर ऑप्ट नहीं कर सकता. एग्री करते हैं? और सर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एडवांटेजेस दे रहे हैं. ये सिर्फ किताब से इसको जस्ट एक दफा रीड आउट करना है. ये किताब से आपको जस्ट एक दफा रीड आउट करना है. चलें सर आगे बढ़ेंगे. उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. SWOT analysis is a technique for analyzing the strategical position and identify key factors that might affect the business strategy. वही पहले की बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं. These factors are both internal and external to the entity. SWOT analysis is explained in the context of identifying opportunities and threat in the environment. It is also used to identify strength and weaknesses in the resource, competence and the capability of the entity. Strength ke baare mein, strength are resources and competence that an organization has and the capabilities it has developed. Strength in the resource, in resources, competence and capabilities can be exploited and developed to create sustainable competitive advantage. Ji janab, bracket mein karke likhe hain, bracket mein karke likhe hain strength ke aage ki janab isko underline karo. Strength mein, strength are resources and competencies. यानी के वो चीज़ें जिससे जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो चीज़ें जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, वो कहलाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. वो कहलाती है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? ओके जी. वीकनेस के बारे में क्या है सर? वीकनेस का मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से कस्टमर आपका प्रोडक्ट छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है. Weakness are the resource, competencies and capabilities that are deficient or lacking. Deficient or lacking ko underline karein. Janab, kyun? Humne bola sir ke for example, ke log jo hai wo ek product nahi khareed rahe. Aapne bola janab, bahut se log na imtiaz nahi jaate shopping karne ke liye. Wajah? Overcrowd. रश बहुत होता है. बहुत से लोग महीने के शुरू तारीखों में इम्तियाज नहीं जा रहे होते. मैं नहीं जाता शुरू की तारीखों में. क्यों सर? ओवरक्राउड, रश बहुत होता है. बहुत से लोग पार्किंग की वजह से नहीं जा रहे होते. ये वीकनेसेस हैं. दूसरे मोहल्ले की दुकान से ले लेंगे जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है. बहुत से लोग मेट्रो को जाना प्रेफर कर रहे होते हैं जबकि मेट्रो में इतना ज्यादा टर्नओवर, इतने ज्यादा अच्छे गुड्स नहीं है. क्यों सर? पार्किंग वहाँ पे आसानी से मिल जाती है. बहुत से लोग जो है ना वो कौन सा है वो हमारा लकी वन के अंदर जो खुला हुआ है कारफोर, वहां पे जा रहे होते हैं. वजह सर, वहां पे पार्किंग बड़ी अच्छी मिल जाती है. अंदर ही पार्किंग मिल जाती है, वहीं से लिफ्ट है सीधा ऊपर चले जाओ. इम्तियाज में तो पता नहीं कहाँ पार्किंग ढूंढते रहो. पार्किंग में टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगाओ, एक टेंशन रहेगी आपको कि सर गाड़ी खड़ी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक टेंशन अलग. फिर आप चलते हुए धूप वूप में फिर इम्तियाज के अंदर घुसो, एक टेंशन. वहां पे क्या होता है लकी वन, वहीं बेसमेंट के अंदर आपने कार पार्किंग की, वहीं पे लिफ्ट है, वहीं से आप चले गए टेंशन फ्री. एग्रीड. तो सर ये वीकनेसेस है. वीकनेस का मतलब कि जनाब जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते. दीज वीकनेसेस आर प्रिवेंटिंग द एंटिटी फ्रॉम डेवलपिंग और सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सर सबसे पहले आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें. इन योर एग्जामिनेशन यू माइट बी गिवन अ क्वेश्चन दैट कंटेन अ केस स्टडी ऑफ सिनेरियो एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटिटी एंड द अपॉर्चुनिटीज थ्रेट इट हैज फेस्ड. अभी हम करेंगे टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग. टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग. रिसोर्सेस. अच्छा जी, कंसिडर ऑल रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी आइडेंटिफाइंग दोज दैट आर सिग्निफिकेंट एंड यूनिक इंक्लूडिंग द स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट. चले जी आगे बढ़ते हैं भाइयों.
टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यू शुड कंसीडर द फॉलोइंग रिसोर्सेस. कंसीडर ऑल द रिसोर्स ऑफ द एंटिटी. सर सबसे पहले आप रिसोर्स को आइडेंटिफाई करें. सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जस्ट रीड कर रहे हैं इसको, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ जस्ट रीड कर रहे हैं ताकि ये हो कि हमने स्टेटस रीड कर ली. कंसीडर ऑल रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, आइडेंटिफाई दोज दैट आर सिग्निफिकेंट एंड यूनिक, इंक्लूड द स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉइज इन योर असेसमेंट. यू शुड ऑल्सो कंसीडर द नॉलेज दैट द एंटिटी हैज एक्वायर्ड एंड इट्स इंटेलेक्चुअल कैपिटल. कंसीडर वेदर दे आर की रिसोर्स that the entity lack but a competitor might be. Competence, जनाब competence उसके अंदर है या नहीं है. उसके नीचे preparing SWOT analysis. जी जनाब next page पे आइए, next page पे आइए, page number 8 के ऊपर. page number 8 के ऊपर वही बात है जो हम लोगों ने शुरू की क्लासों में की थी. क्या कह रहे हैं जनाब, हेडिंग्स बनाई हुई है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड. एक दफा फिर से देख लो भैया स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज आती है. एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, जनाब ये जो चार हेडिंग्स हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड, जब आप लोग दोबारा से रिविजन करोगे तो इस डब्बे को भी पढ़ोगे, इस डब्बे को भी पढ़ोगे, इस डब्बे को मार्क कर लो, इस डब्बे को अपने पास मार्क कर लें, इस डब्बे को भी आपने रीड करना है. जनाब स्ट्रेंथ के अंदर क्या आता है, स्ट्रेंथ का मतलब इंटरनल फैक्टर के जनाब उसके एम्प्लॉइज अच्छे हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, प्रोडक्ट आपके अच्छे बिकते हैं, कंपनी की रिसोर्सेज अच्छी हैं, कंपनी की टेक्नोलॉजी अच्छी है. क्या क्या लिखा इन्होंने, एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, कंपनी के पास रिसर्च बहुत अच्छी होती है. हाई स्किल्ड साइंटिस्ट इन दी वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के अंदर स्टाफ बड़ा अच्छा है, साइंटिस्ट बड़े अच्छे हैं. हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, इनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं. पेटेंट ऑन सिक्स प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट मार्जिन. जनाब आपके प्रोडक्ट का पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल शान मसाला क्यों बिक रहा होता है, क्योंकि उसके शान के डब्बे के अंदर बिक रहा है. अगर उसका मसाला किसी और डब्बे में रख के बेचो, कोई नया डब्बा बना दो और उसमें से शान का नाम हटा दो, तो जनाब वो नहीं बिकेगा. नहीं, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी स्ट्रेंथ है. एग्री करते हो, एग्री करते हो. आगे वीकनेस, वीकनेस का मतलब सर आप ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप पुराने कल्चर पे काम कर रहे हैं, आप आईटी में इतने एडवांस नहीं है, इक्विपमेंट आपके पास अच्छे नहीं है. अगर मैं लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर जाऊं तो जनाब ईसा लेबोरेटरी से लोग क्यों नहीं टेस्ट करवाते, सवाल है. ईसा लेबोरेटरी की लोकेशन तो आजकल हर गली में खुल गई है, हर थोड़ी देर के बाद ईसा लेबोरेटरी आपको नजर आ जाती है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग वहां पर टेस्ट कराने को इतना प्रेफर नहीं करते. वजह उसके टेस्ट माने नहीं जाते. क्यों माने नहीं जाते जनाब, इक्विपमेंट पुराने होंगे, इक्विपमेंट अच्छे नहीं होंगे, स्टाफ ट्रेन नहीं होगा, स्टाफ सही नहीं होगा, जब भी तो नहीं मानते डॉक्टर्स. पुराने जमाने की इक्विपमेंट होंगे, आगा खान की रिपोर्ट्स क्यों मानते हैं भाई, आगा खान की रिपोर्ट क्यों मानते हैं, जनाब उनका इक्विपमेंट अच्छा होगा, उनके स्टाफ अच्छा होगा, उनका डॉक्टर अच्छा होगा, जो बंदा टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जो मशीनों में डाल रहा है उनका सैंपल एम्पल, वो क्वालिफाइड ट्रेन होगा. ऐसा ही है. इसीलिए तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस है. वीकनेस का मतलब स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोडक्ट, पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट इनटू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रीसेंट इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर. जनाब लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप आप खरीदने के लिए जाओगे तो कौन सा लैपटॉप खरीदोगे, सवाल है. डेल, एचपी, लिनोवो, और यही आता है ना मार्केट में, मैकबुक, एप्पल वाले, बस यही है. हायर का लैपटॉप खरीदोगे, सवाल है. हायर लैपटॉप बनाता है, आप लोगों को पता है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम में जो लैपटॉप मिलते हैं ना, ये हायर के मिलते हैं, हायर बनाता है, क्या वो खरीदोगे. वजह सर वीकनेस क्यों, वजह हमने बोला सर क्वालिटी इसकी सही नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, हीटअप हो जाता है. ये सारे मसले मिसाइल होते थे लैपटॉप में, लेकिन कब होते थे, 8-10 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें चीजें नहीं होती. एग्री कर दो, तो उसका मतलब ये हायर वालों की वीकनेस है. हाँ अगर वॉशिंग मशीन लेने जाओगे तो फिर हम सोच सकते हैं. अगर मैं माइक्रोवेव ओवन लेने जाऊंगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ सर कि मैं हायर का प्रोडक्ट लूँ, लेकिन वो उस चीज में लूँ, क्यों, उनकी टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है, उसमें नहीं है. एग्री करते हैं. चले सर आगे, अपॉर्चुनिटी. दुनिया के कितने लोग लैपटॉप बना रहे हैं यार, ये डेल, एचपी, ये लोग बना रहे हैं ना, ये लोग कहां बैठे हैं, यूएस के अंदर एक टॉप जायंट रिसर्च वाली जगह है, रिसर्च कंपनीज है. इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, मैंने उसका तो नहीं सुना उसका कोई लैपटॉप बना रहा, आज तक मैंने तो नहीं सुना कि इंडिया का कोई लैपटॉप मेड इन इंडिया कुछ हो. हायर वायर सारी यूएस की कंपनी है. ऐसा ही है एप्पल है, वो तो है, तो एप्पल ना उसने फैक्ट्री कारखाना वहां खोल लिया ना इंडिया के अंदर, वो तो बहुत आ गया ना, वो तो आप मुकाबला नहीं कर सकते ना, छोड़ दो, चांद पे पहुंच गया वो, छोड़ दो, चांद पे पहुंच गया भाई वो, आप पीछे हो. अपॉर्चुनिटी, जी सर अपॉर्चुनिटीज का बताइए. हाँ मैं कह सकता हूँ हायर वालों के पास अपॉर्चुनिटी आई थी और उन्होंने लैपटॉप की मार्केट के अंदर एंटर हो गए, अपॉर्चुनिटी तो उसने कैश की है बॉस. प्राइम मिनिस्टर स्कीम में कितने लैपटॉप का ऑर्डर तो पकड़ लिया भाई इसने,
पैसा तो कमा लिया, अब उस अपॉर्चुनिटी को उसने ऑप्ट कर लिया, अब वो उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं रही, अब वो उसकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। एग्री करते हो? या तो वीकनेस बन जाएगी, या तो वीकनेस बन जाएगी, ये होती है अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल जनाब, आज से कोई 8-10 साल पहले, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पीएम ने एन की, तो उन्होंने मेरी गाड़ी मेरी रोजगार करके स्कीम निकाली थी, जो टैक्सियां ये लोग देते थे। वो टैक्सियां कौन सी कंपनी से खरीदते थे? उनके पास ऑप्शन था सर, या तो हम लोग होंडा से खरीदें, या तो हम टोयोटा से खरीदें, या तो हम लोग सुजुकी से खरीदें। उन्होंने गाड़ियाँ किससे खरीदी? सुजुकी से खरीदी। सुजुकी वाले के पास अपॉर्चुनिटी थी, कैश कर ली उन्होंने, ये करा दी अपॉर्चुनिटी आपके पास। चले सर आगे। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द टोटल मार्केट डिमांड, न्यू सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड। जी सर, अपॉर्चुनिटीज है, आप उसके अंदर एंटर हो। मैंने बताया ना, हमारी सीए की टीचिंग में भी अपॉर्चुनिटी है सर, पूरी दुनिया खुली हुई। आप इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड कराएं, एसीसीए के और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के, आप वो जो है बेचें दुनिया के अंदर बेचें। आजकल तो यूडेमी और पता नहीं कौन कौन से आजकल आ चुके हैं, कर सकते हैं बॉस, क्यों नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी खुल गई है। थ्रेड क्या सर? थ्रेड ये है कि जनाब आपके पास एक मेजर कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएगा। इंडिया के अंदर पेप्सी वालों को थ्रेड आ गया, कोक वालों को थ्रेड आ गया, क्यों? अंबानी ने भी जो है वो ये सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्ट कर दी है। थ्रेड है, अंबानी वाले के पास अपॉर्चुनिटी थी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को कैश कराया। दूसरों के लिए, पेप्सी कोक के लिए क्या आ गई है? थ्रेड आ गया। ये तो चीज होती है बॉस, अंबानी उसने सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया ना इंडिया के अंदर, पेप्सी और कोक को उसने टक्कर दे दी भाई। नहीं, थम्स अप तो नहीं है, किसी नए नाम से आई है, किसी नए नाम दे दी उसने भाई, टक्कर दे दी, अपॉर्चुनिटी हो गई। गूगल के लिए सर थ्रेड क्या है? चैट जीपीटी। गूगल का सर्च खत्म, अब दुनिया क्या किस पे चली गई है जनाब? चैट जीपीटी पे। एग्री करते हैं? तो गूगल वालों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्या अपॉर्चुनिटी आ गई सर? आप भी ऐसा एआई बनाए, बनाया तो है इन्होंने बार्ड एआई वेआई कुछ करके। हाँ, चलती तो गूगल पे, नहीं गूगल पे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप दूसरे पे चलाने, आपके कितने इंटरनेट एक्सप्लोर है, ओपरा है, बहुत सारा है, किसी भी चैनल है। नहीं तो वो जब उसने इतना बड़ा चैट जीपीटी बना लिया, तो वो क्या सर एक वो नहीं बना सकता, सर्च वो क्या कहलाता है, वो सर्च इंजन नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोर टाइप का, वो नहीं बना सकता? बना सकता है, बना सकता है, जब इतना बड़ा चैट जीपीटी बनाया। दुनिया पर रिसर्च मैं तो नहीं करता गूगल पे, गूगल पे रिसर्च करने का मतलब यह है कि जनाब आपको बहुत सारे लिंक खोल देगा, फिर एक एक लिंक के अंदर जाके आप पढ़ो, इतना टाइम थोड़ी है दुनिया में भाई। अब तो चैट जीपीटी चलता है भाई, चैट जीपीटी में डालो, वो आपको बेस्ट आंसर निकाल के देगा, और 99% एक्यूरेट होता है। ड्राफ्टिंग श्राफ्टिंग यही सब वहीं से भाई, सब वहीं से, जिस किस्म का क्वेश्चन आपने बनाना हो थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल तो चलो मुश्किल है, अभी चैट जीपीटी इस लेवल पे नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों में चैट जीपीटी ये भी हो जाएगा, आई कैप का सवाल उसके अंदर डालो, सोल्यूशन बना के दे देगा। आगे आने वाले दौर में हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी एडवांस है चैट जीपीटी। तो गूगल वालों के लिए थ्रेड क्या जनाब? चैट जीपीटी। गूगल को अच्छी खासी हिट आई है, गूगल को अच्छी खासी हिट आई है। अच्छा जी, आगे आगे जनाब, यूट्यूब है, यूट्यूब वालों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड हुआ था बीच में डेली मोशन के नाम से, लेकिन वो डेली मोशन ने जो ना वो गूगल की तरह चल नहीं पाया, वो स्लो था, बहुत स्लो था, मतलब लोग ना तंग आ जाते थे, अबे यार ये क्या है, मतलब अच्छे खासा उसने बीच में मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर ना स्लो होगा। यूट्यूब के अंदर टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ स्लो नहीं है, दुनिया भर का कॉन्टेंट मिलेगा, दुनिया भर का। ओके जी, YouTube के लिए अपॉर्चुनिटी, YouTube अब पूरी दुनिया की मार्केटिंग के पैसे खींच लिए, दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट, दुनिया की पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो मार्केटिंग होती है, पूरी दुनिया के हर मुल्क हर शहर की, सब कौन खींच के ले गया? YouTube ले गया। अब सारे ऐड देखो, दो दो ऐड आते हैं, अब तो यार एक ऐड को स्किप करो फिर दूसरा भी आएगा। हाँ, अब तो स्किप नहीं होता, पहले स्किप हो जाता, 6 सेकंड का आपको मजबूरन देखना पड़ेगा, अब हमारी आदत हो गई है। अगर खैर है यार, 6 सेकंड है ना, गुजर जाएंगे, अगला वाला स्किप होता है। ठीक है सर, ठीक है, वो भी तो पैसे लेता होगा, स्किप का मतलब 3-4 सेकंड तो चलिए ना यार। तो कंपनी तो अपना प्रोडक्ट भी ना उसी हिसाब से बना, अपनी मार्केटिंग का एड भी उसी हिसाब से बना रही है, बस प्रोडक्ट दिख गया टपाल्टी, बस काम हो गया, 3 सेकंड तो रहेगा ना यार, कम काम हो गया अपना, KNS का लोगो आ गया, CA इंस्टीट्यूट काम हो गया हमारा, फिर बच्चा स्किप ही करेगा यार। एग्री करते हैं? फिर सर उसने मार्केटिंग का एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन निकाला जनाब, उसने बोला भाई देखो टीवी पे ऐड चलेगा ना, अगर अगर हम लेट्स सपोज टपाल टी का ऐड चलाए,
हम जो है ना गाड़ी का एड चला है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला यार गाड़ी का एड चल रहा है, वो टीवी पे एड आते ना किया मोटर के गाड़ी की, वो रोडों पे भाग रही है पहाड़ों पे एड आते नहीं आते। मैंने बोला यार ये गाड़ी का एड मैं किसको दिखाना चाहूंगा, वो बंदा जो गाड़ी खरीद सके अफोर्ड कर सके, कोई बेचारा गरीब है टीवी तो वो भी देखता है, क्या उसको एड दिखा के मेरा मकसद पूरा होगा? नहीं सर, टीवी पे एड जो चल रहा है क्रिकेट मैच के दौरान, क्रिकेट मैच कौन कौन देख रहा है सर? गरीब बंदा भी देख रहा है, जो बसों में सफर करता है जो गाड़ी नहीं खरीद सकता वो भी क्रिकेट मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच के बीच में अगर टीवी का उसका एड है इस गाड़ी का तो वो गाड़ी कंपनी के लिए वो गरीब बंदा देख रहा है, उसके लिए तो बेकार है ना यार। पैसे वाला देखेगा उसके लिए काम का है। तो यूट्यूब ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, उसको फिल्टर आउट कर दिया कि इन्हीं लोगों की प्रोफाइल को मैच करके उन्हीं को ऐड चलेगा। आपके पास अगर फेसबुक पे ऐड आ रहे हैं तो जनाब आपके पास कुछ और ऐड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने वीपीएन डाल के फिर अगर आप यूट्यूब खोलो तो आपके पास ऐड उसी मुल्क के आएंगे जिस मुल्क का आपने वीपीएन डाला हुआ है। ये अभी तक जो ना एक फॉल्ट है यूट्यूब में जो उसने अभी तक इसको कैप्चर नहीं किया। आपने वीपीएन डाला किसी लैटिन अमेरिका का जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, फ्रांस का डाला तो आपके पास सारे एडवर्टाइज है ना फ्रेंच के और स्पेनिश वो आ रहा है, वो क्या चीज़ है ये, कौन सा प्रोडक्ट है, हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। यूट्यूब में भी मसला है, ये करेंगे डेफिनेटली, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी इनकी बहुत आगे है, लेकिन करेंगे वो इसको कैप्चर। सर कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है चैट जीपीटी? यार नहीं करता यार, मैंने डाल के देखा था, मुश्किल वाले नहीं करता, आसान वाले कर देता होगा, आईकेप आईकेप वाले लेवल के नहीं करता अभी, अभी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ। चले सर आगे आगे भैया, थ्रेड पढ़े, रीसेंट मर्जर ऑफ द टू मेजर कॉम्पिटिटर, रिस्क ऑफ द स्ट्रीकर रेगुलेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। हमने बोला जनाब अगर तो दो बड़े जायंट कॉम्पिटिटर का मर्जर हो जाए तो सर ये फिर हमारे लिए बड़ी खतरे वाली बात होगी। फॉर एग्जाम्पल जनाब जैज और वारिद का मर्जर हुआ था, अभी टेलीनॉर और यूफोन का मर्जर होने जा रहा है, टेलीनॉर और यूफोन का मर्जर होने के लिए जा रहा है। सर हमारे पास जोंग है, कंपटीशन आ गया, जोंग वाले घबरा जाएंगे, वहाँ पे जैज और वारिद मिल गए, यहाँ पे यूफोन और टेलीनॉर मिल गए, अकेला कौन बजिया? सर जोंग बजिया, जोंग को एक टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा, थ्रेड है, उनके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया तो इसका मतलब है वो अपने इक्विपमेंट पे और खर्चा कर सकते हैं। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। तो ये रिस्क होता है, जोंग को बैठे बैठे थ्रेड आ गए। सर इसने कॉस्टिंग के पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे? नहीं आपस में कर रहा हूँ, रहीम है, रहीम और वो तो कैसे कर पागल है। तो जी जनाब मर्जर का सबसे बड़ा थ्रेड होता है, मर्जर का सबसे बड़ा थ्रेड होता है जनाब, अगर ये दोनों चीजें मर्ज, अगर ये दो बड़े कॉम्पिटिटर मर्ज हो गए तो आप तो बीच में फंस जाएंगे सर, आप तो बीच में फंस जाएंगे, तो कॉम्पिटिटर का मर्जर होना भी खतरनाक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जनाब होंडा और टोयोटा का अगर मर्जर हो जाए, सुजुकी वाले तो रो जाएंगे, वो वैसे ही रो रहे हैं, वैसे उनकी गाड़ी कोई नहीं खरीदता। सुजुकी गाड़ी का मतलब ये है कि जनाब अगर आपने ऐसी कहीं गाड़ी खड़ी कर दी तो बैटरी चोरी, उसका बोनट आराम से खुल जाता है, भले से नहीं ऑल्टो जीरो मीटर क्यों ना, उसको बोनट ही खुल जाता है, टोयोटा होंडा का नहीं खुलता, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होती है, सुजुकी का तो यही खुलता है भाई चुटकी के अंदर। चले सर आगे, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द स्वॉट एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू, सर स्वॉट एनालिसिस के लिए नेसेसरी क्या है मेरे पास? एनालिसिस द इंटरनल रिसोर्स ऑफ द एंटिटी एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट, एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ट्राई टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। सर आप अपनी कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करें और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड को आप देखते चले जाइए, देखते चले जाइए। आगे सर, An analysis might be prepared by team of the managers and think tank, a risk management committee or another group individual within an entity. Organization के अंदर एक department होता है risk management organization. वो risk management organization का ना भी काम ही होता है कि भाई आप ये SWOT analysis वाली वगैरह चीज़ें करिए, आप बताइए कि जनाब इस organization के अंदर जो ना ये थ्रेड है जनाब, आप इसको काउंटर करें, अगर आप इसको काउंटर नहीं करें खत्म हो जाएंगे। हमारे पास हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल है, नोकिया दुनिया से खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ सर? क्यों था? टेक्नोलॉजी, दुनिया जा रही थी स्मार्टफोन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, उसने टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया, खत्म।
तो आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस वगैरह को आइडेंटिफाई करना है, वरना खत्म हो जाएंगे, वरना खत्म हो जाएंगे। अगर आपने मार्केट के अंदर एक्सेल करना है, अगर आपने एक्सेलेंट पोजीशन पे जाना है, एक्सेल करना है, तो स्वॉट एनालिसिस से आप आइडेंटिफाई करें कि जनाब आप किस किस चीज पे काम करें, आपके कॉम्पिटिटर किस चीज पे काम कर रहे हैं। आगे सर, यूजिंग द टेक्निक, इफ यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज स्वॉट एनालिसिस इन योर एग्जामिनेशन, you may be expected to do so to answer a case study question. The technique is fairly simple to use. You can prepare a 4 list as working for your answer, one of each of the SWOT category: strength, weakness, opportunity, threat. Read through the question carefully and add to each of the list as ideas come to your mind. You will need to think strategically. You will also be required to interpret the result of your analysis and consider this देयर स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशन। उसने बोला सर आपके एग्जाम में सिनेरियो पे सवाल आएगा, आप उसको रीड आउट करें, 4 हेडिंगों में उसकी चीज़ों को निकालें और फिर उसके ऊपर आप स्ट्रेटेजिकली सोच के लिखना शुरू कर दीजिए। जी सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। एन इनिशियल स्वॉट एनालिसिस इज सिंपल, अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड। द सिग्निफिकेंट और पोटेंशियल वैल्यू कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज नॉट कंसिडर्ड इन द इनिशियल एनालिसिस एंड द आइटम्स आर नॉट रैंक इन एनी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। A problem with SWOT analysis is that it can encourage very long list of strength, weakness, opportunities and threat without any differentiation between those that are significant and those that are fairly immaterial. Having prepared an initial SWOT analysis, the next step is to interpret it. Interpretation involves identifying those strength, weakness, opportunity and threat that might be significant and what their implication might be for the फ्यूचर। सर ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे स्वॉट एनालिसिस के। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए थे, कौन सा कराया था मैंने, इम्तियाज वाला। चलो बाकी के सवाल करते हैं, आओ जी बाकी के सवाल करते हैं। जी जनाब बाकी केस स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, केएफसी। ये पर हम लोग स्वॉट एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। जनाब स्वॉट एनालिसिस में 4 हेडिंग्स होती हैं मेरे भाइयों। होमवर्क दिया था वही बस डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने भी लिखा होगा उसको डिस्कस करना, जल्दी जल्दी ना निपटाएंगे उसको। जनाब कौन कौन से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जी सर जरा केएफसी को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई। केएफसी क्या है आपके पास, खाने पीने का स्टोर। वहां पे मिलता क्या है बॉस मेरे पास, वहां पे सर वहां पे चिकन के आइटम मिलता है, बीफ नहीं मिलता। वहां पे कौन सा आइटम मिलता है बॉस, चिकन वाला आइटम मिलता है। और बॉस वहाँ पे क्या क्या मिलता है। हमने बोला सर केएफसी को अगर माइंड में बिठा के लेकर आओ, तो हमने बोला सर केएफसी एक आपका अच्छा फूड सेंटर है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर भी अच्छा है, फूड क्वालिटी भी अच्छी है, फूड टेस्ट भी अच्छा है, हर जगह मिल जाता है, पार्किंग के इशू हैं डेफिनेटली, ओके जी, थोड़ा रश ज़्यादा होता है, वेटिंग के इशू हैं, एग्रीड। अच्छी चीज़ क्या है, कार्ड चल जाता है वहाँ पे, एक ब्रांड इमेज भी है वहाँ पे। और सर बीफ वालों को नहीं मिलेगा, बहुत से लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते, ब्रॉयलर चिकन होती है वो खाना पसंद नहीं करते, देसी चिकन नहीं मिलती वहां पे, एग्रीड। और सर वहां पे ऑयल फ्राइड होता है, वो हेल्थ के लिए खराब है, टेस्ट के लिए अच्छा है लेकिन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये सारे मसले मसाले, एग्रीड। चलो सर मुझे इसकी स्ट्रेंथ बताना शुरू करो, ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ है, ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ है और मैंने हैंडआउट के अंदर उसका सोल्यूशन भी दे दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि इम्तिहान में हमने इसकी अंग्रेजी लिखनी कैसे है। रट्टा नहीं मानना लेकिन आपने लिखना क्या। चले सर स्ट्रेंथ बताना शुरू करें फटाफट, केएफसी की स्ट्रेंथ बताओ भाई। स्टाफ, सर इसका स्टाफ अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एग्जाम के अंदर ये अल्फाज नहीं लिखो कि स्टाफ, एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना है जैसे सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखा हुआ है पेज नंबर 15 के अंदर। अभी तो हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अभी तो आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन करना कैसे है जिस तरह की अंग्रेजी मैंने लिखी हुई है। हाँ आप ऐसी अंग्रेजी नहीं लिख पाओगे क्योंकि एक अंग्रेज की इंग्लिश लिखी हुई है, आप ऐसी अंग्रेजी तो नहीं लिख पाओगे लेकिन अपनी पाकिस्तानी अंग्रेजी तो लिख लोगे ना यार। डन है, चले बॉस और बताओ इसकी स्ट्रेंथ। अवेलेबिलिटी, लोकेशन, अवेलेबिलिटी हर जगह मिल जाता है बॉस।
और कार्ड पेमेंट भी है। सर ये तो इतना अच्छा है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो मशीन घर पे लेकर आ जाएगा। हाँ वो फोन पे पूछता है कार्ड पेमेंट होगी कैश पेमेंट होगी, हमने बोला कार्ड पे, मशीन लेकर आ जाएगा। टेंशन ही नहीं है कि आपके पास कैश नहीं है घर पे, भाई कार्ड में तो पैसा है ना, बैंक में भी तो होते हैं सबके पास पैसे, ये अच्छी चीज है भाई। क्या इसकी वजह से KFC की सेल नहीं बढ़ी होगी? डेफिनेटली बढ़ी होगी। क्या इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लोकल जो रेस्टोरेंट है आस पास, अच्छा और टेस्ट डेफिनेटली, और भाई हाँ ब्रांड काफी है बॉस। आइए सर स्ट्रेंथ में देखिए, इसके सॉल्यूशन के अंदर ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन, पेज नंबर 15 पर आइए, पेज नंबर 15 पे ये सोचने वाली चीज है, ये आप लोग इंशाल्लाह लिख लोगे। ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन एग्री करते हैं, पूरी दुनिया में मिलता है सर ब्रांड भी, कैसा ग्लोबल वाला, हर जगह मिल जाता है। और वाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रेजेंस 145 मुल्कों के अंदर है। और डाइवर्स मेन्यू, सर मेन्यू में इसके अंदर चिकन ही होते हैं, लेकिन चिकन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सैंडविच तो नहीं होती हमारे यहाँ, तो झूठ लिख रहा है, नहीं हो सकता दुनिया में होता हो, हमारे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, पता है नेस्ले के प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, अंडा हम लोग घर पे खाते हैं, पाकिस्तान में कराची में हर घर पे अंडे खाए जाते हैं, अंडे कैसे होते हैं उसको फ्राई करते हैं हम लोग, अच्छा जी। मिल्क दुनिया में दो किस्म के मिलते हैं, एक मिलता है मिल्क जो खुला हुआ था, और एक मिलता है पाउडर मिल्क, आपको पता है पाउडर एग भी होता है, पाउडर एग भी होता है, आप पाउडर एग डालो तवे पे तेल के साथ, वो बन जाएगा ऑमलेट टाइप का, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ हाँ वो नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो है ना, और पाकिस्तान में नहीं है दुनिया में तो है, वो जब ही तो नहीं लॉन्च किया उन्होंने, बोला ये आते फेल हो जाएगा भाई, मैं बोला ना तुमने, आपने बोला ना, तो उन्होंने जब ही तो लॉन्च ही नहीं किया, उन्होंने बोला भाई आते पाकिस्तान में फेल हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे अपनी थ्योरीज के अंदर कि क्यों इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, क्यों हमारा कल्चर ही नहीं है इस चीज़ को अडॉप्ट, नहीं बचपन से वही चलता हुआ आ रहा है, बचपन से जब से देख रहे हैं हम लोग। पाउडर के मिल्क को भी मार्केट में आने पे बहुत रेजिस्टेंस हुई, और अभी भी उसने वो मार्केट कैप्चर नहीं की है। पाउडर ऑलपर का पाउडर मिल्क ठीक है चल रहा है, लेकिन वो मार्केट कैप्चर नहीं है जो लिक्विड मिल्क की है, वो मार्केट नहीं है अभी भी, एवरीडे मिल्क नहीं है, टी वाइटनर है, हम मिल्क की बात कर रहे हैं, हाँ वो टी वाइटनर है भाई, केमिकल है वो, दूध नहीं है वो, पी जाता है, अब क्या कर रहे हैं जब भी तो ऐसा हो गया है। तो भाई वो टी वाइटनर है, केमिकल है वो, दूध नहीं है वो, उसमें तो लिखा हुआ भी होता है टी वाइटनर, ऑलपर जो है ना वो सिर्फ पाउडर मिल्क है, उसमें लिखा हुआ होता है मिल्क, नीडो भी है, यस नीडो भी है, लैक्टोज फ्री और पता नहीं क्या क्या। चले जी आगे चले बॉस, वीकनेस बताओ भाई, वीकनेस बताओ लड़के, सोल्यूशन पकड़ देंगे, सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे, दिमाग से दिमाग चलाना है हमने, वीकनेस बताओ भाई। सर ओनली चिकन, बीफ नहीं मिलता भाई, कॉस्टली तो नहीं है यार, कॉस्टली तो नहीं है, हाँ सस्ता है यार, तब भी सस्ता है लड़के, सगरी मारो नहीं मतलब सस्ता है, सीरियसली सस्ता है, पता नहीं क्यों सस्ता है, कौन सी चिकन खिला रहा है, मुझे हैरत होती है भाई, यार कंपटीशन तो गलत कर रहा ना भाई। भाई माइटी कितने का है KFC का? 700 रुपए का माइटी। बाहर का सिंगर कितने का है? 400 का तो हो गया होगा, दुकानों का 350 लगा लो, साइज में फर्क है, साइज में फर्क है, इसका मतलब आप 350 मल्टीप्लाई में 1.5 करो, माइटी का साइज उसका 1.5 है भाई, कंपेयर करवा रहा हूँ ना, माइटी का 350 होगा ना, माइटी और जिंगर में 1.5 का फर्क है, डबल नहीं है 1.5 का फर्क है, तो 350 को तुम 1.5 लगाओ ना यार, 350 मल्टीप्लाई में 1.5 करो, कितना हो जाएगा, 525 हो गए, एग्री करते हो, बाकी उसमें जो चीज आ रही होती है वो एक चीज हो गई, टेस्ट अलग है वो एक चीज हो गई, रेस्टोरेंट में जा रहे हो AC में बैठ के सुकून से खा रहे हो, उसके पैसे नहीं लेगा वो, घर पे आ रहा है तरीके से बात कर रहा है, अच्छे कपड़े पहना हुआ, साफ सुथरा बंदा है यार, गुटखा नहीं खा रहा, तो उसके भी तो होंगे इम्पैक्ट होता है ना यार,
किचन उसका साफ सुथरा होगा, ऑयल ऑयल साफ होगा, फर्क है ना यार, फर्क है। पूरी दुनिया में मिल रहा है खान ब्रोस, पूरी दुनिया में है क्या? चले बॉस, और वीकनेस बताओ भाई। सर वीकनेस बताए। सर देखें, हेल्थ इश्यूज तो हैं, टेस्ट अच्छा है लेकिन सर हेल्थ के लिए तो खराब है ना। क्या भाई, अगर तो किसमें हेल्थ का नहीं, अगर दुनिया में बोले हेल्थ कॉन्शियस हो जाए लोग, ये तो थ्रेड में भी आ जाएगा, ये बात थ्रेड के अंदर भी आ जाएगी। थ्रेड का मतलब जो चीज हो सकती है, और वीकनेस का मतलब जो भी एग्जिस्टेंस है। और बताओ भाई, और बताएं सर वीकनेस। एक तो सिर्फ चिकन देते हैं, और वेटिंग कह सकते हैं यार, रश होता है यार यहाँ पे ना। और अगर तो कोई इनकी वो डिस्काउंट डिस्काउंट आ गया ना, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लाइन लग जाती है भाई, लाइन लग जाती है। एग्रीड सर, 24/7 नहीं है ये, 4 बजे तक मिलता आखिरी। वो यार मैं तो अक्सर कभी जा रहा होता ना घर, रात वात हो जाती है घर, 4-5 बज जाते हैं तो। हाँ KFC थोड़ी है, मैकडोनल्ड है ड्राइव थ्रू, तो KFC है नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, मैकडोनल्ड देखा है। डे रहे भाई, चले सर इसके सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन में देखें जनाब। वीकनेस के अंदर हेल्थ कंसर्न, इंटेंस कॉम्पिटिशन। हाँ यार कॉम्पिटिशन तो बहुत है भाई, एक्सटर्नल में, हाँ एक्सटर्नल में लिखना चाहिए वैसे, उन्होंने लिखा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द चिकन, बिल्कुल सही है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। अपॉर्चुनिटी में आइए सर, अपॉर्चुनिटी बताओ भाई, कहाँ कहाँ ये लोग मजीद काम कर सकते हैं सर अपॉर्चुनिटी के अंदर? कर सकते हैं यार, क्या हुआ, कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, वो कर नहीं रहे अलग बात है, अपॉर्चुनिटी तो है इनके पास, कर सकते हैं। और बोलो, हाँ ड्राइव थ्रू करना चाहिए, यस मैकडोनल्ड है ना यार, उन्होंने किया हुआ है, KFC मुझे नजर तो नहीं आया, ड्राइव थ्रू नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है ना अभी। और भाई और बताओ अपॉर्चुनिटी, प्राइस और कितनी कम करें, हाँ आइसक्रीम, आइसक्रीम भी नहीं है ना, मेन्यू अपना बड़ा है KFC में, आइसक्रीम है, मेन्यू को अच्छा कर रहे हैं, 3-4 चीजें मिलती हैं यार, वही 3-4 चीजें इनके पास। मोबाइल एप्लीकेशन है KFC की, ऑनलाइन तो है, वेबसाइट पे तो ऑर्डर प्लेस होता है, तो ऐप भी होगी, मैं कहता हूँ होगी होगी। और बॉस और अपॉर्चुनिटी बताओ भाई, और अपने ब्रांचेस खोले, वैसे तो बहुत है, और भी खोल सकता है भाई, हाँ क्या पहले अभी और खोल, बिजनेस है भाई, और अपॉर्चुनिटी बताओ KFC वाले की भाई, और बोलो सर, नहीं और मोर ब्रांचेस खोल तो सकते हैं, पूरी दुनिया है यार, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर तो दिया, कार्ड लिया, बोले IBFT भी लिया, IBFT भी लिया, जैस कैश भी लिया, और अपॉर्चुनिटी बताओ, और क्या कर सकते हैं, ब्रांचेस हो गई, ये हो गई, 24/7 खोल सकते हैं, 24/7 खोले सर, अपॉर्चुनिटी है ना यार, लोग लेते हैं सर, डन है, क्या बोल रहे बॉस, अपॉर्चुनिटी के अंदर मेन्यू इनोवेशन, मतलब नए मेन्यू लेकर आए वो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जी सर, इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल ऑर्डर डिलीवरी सर्विस, मोबाइल ऐप इनहेंस, ये कर तो रहा है यार, फॉर द कस्टमर स्पेशली इन द एरिया ऑफ द ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ऑर्डर तो होते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, और ब्रांचेस को ले ग्लोबली जाए, और कितना जाए भाई। थ्रेड पर आइए सर, थ्रेड पे, हाँ जी नहीं नहीं आंसर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल यही होगी, हाँ ये तो अंग्रेज की है भाई, ये अंग्रेज की, मैंने पता नहीं कहाँ से रिसर्च करके ये चीज़ निकाली है, मैंने ये रिसर्च करके अंग्रेजी निकाली है, आप लोग पढ़ पढ़ के थोड़ा यूज टू हो जाओगे ना, एग्जाम में एक दो ऐसे अल्फाज लिख दोगे, ये बड़ी रिसर्च करके निकाले यार ये मैंने, ये अंग्रेज की ना पक्की वाली है अंग्रेजी, मतलब ये किसी किताब विताब और उनकी है, एक तो अंग्रेज ऊपर से पढ़ा लिखा अंग्रेज, उसकी अंग्रेजी है भाई, है ChatGPT भी यूज़ किया, ChatGPT भी यूज़ किया, हाँ ChatGPT भी यूज़ किया इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ों पर। चले सर थ्रेड बताइए,
हेल्थ इशू, बिल्कुल सर, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आ जाए जनाब हेल्थ इशू का, हमने बोला सर ये फ्राइड ब्रेड की चीजें, डीप फ्राइड ऑयल की चीजें खत्म, नहीं खाना, नहीं खाना सर, इम्पैक्ट आएगा बिजनेस में डेफिनेटली। एक अगर रोनाल्डो या मेसी अगर एक वो स्टार्ट कर दें, कैंपेन स्टार्ट कर दें हेल्थ वाली, हेल्थ वाली, अगर वो भाई कोक को हिट दे दी थी, क्या हुआ था, सिर्फ इंटरव्यू में उसने कोक उठा के साइड पर रख दी थी, पानी रख दिया था रोनाल्डो ने, बिजनेस में हिट आ गया था, ठीक ठाक हिट आ गई थी कोक के बिजनेस में, सिर्फ उसके एक इम्पैक्ट से। कोक वाले ने बोला भाई ये क्या कर रहा है, हमारा स्पॉन्सर है इसमें, इसीलिए तो कोक रखा हुआ है, ठीक ठाक बिजनेस के ऊपर उसकी हिट आ गई थी। ऐसा अगर रोनाल्डो और मेसी बोले कि जनाब ये सब चीजें फ्राइड ऑयल बेकार है जनाब, और रोजाना वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, और ये खाने बार बार एड चलाएं, बार बार इसके ऊपर कैंपेन करें, काम करें, तो क्या बिजनेस में हिट आएगी? डेफिनेटली आएगी भाई। एयर फ्राइड शुरू कर दें, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली बिल्कुल हो सकता है, ये तो सोचना है हमने, ये तो चीज निकालनी है। और बताओ भाई थ्रेड इसका, हाँ हमने बोला सर इन्फ्लेशन, कंपटीशन भी लिख सकते हैं यहां पे, बर्गर लैब, बर्गर लैब इंटरनेशनल चेन है ना, नहीं देसी है, और एक और है ना, कौन सा, बर्गर किंग इंटरनेशनल, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड, इन दोनों का अगर मर्जर हो जाए फॉर एग्जांपल, और ये दोनों केएफसी को टक्कर देने के लिए बैठ जाए, क्या केएफसी को हिट आएगी? डेफिनेटली आएगी। नहीं कल तो खाया यार, नहीं भाई अभी बताया हेल्थ कॉन्शियस यार, अभी तो बताया भाई, बेकार चीज होती है, बेकार चीज नहीं भाई, घर पे सबसे बेहतरीन चीज, सबसे बेहतरीन खाना घर का होता है, सबसे बेहतरीन घर का होता है। हफ्ते में एक दिन खाता हूँ बस, दो दिन, एक दिन फैमिली के साथ, एक दिन बाहर ऑफिस में। चले सर, और भाई और एक और बता दो बस, माइंड अप करते हैं इसको। हाँ शॉर्टेज, हम ये कह सकते हैं जनाब, अगर तो लेट्स सपोज दुनिया के अंदर बर्ड फ्लू आता ना, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू का मतलब सर चिकन विकन के रेट कैसे आ जाते हैं, दो दो डेढ़ डेढ़ सौ रुपए किलो मिलती है चिकन, हुआ है एक तीन चार साल के बाद में देखते हैं वेव आ रही होती है, क्या उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा? केएफसी, केएफसी तो चलते ही चिकन के ऊपर है, इसका मतलब अगर तो क्या लिखूं उस बर्ड फ्लू को, मैं लिखूं सर डिजीजेस इन चिकन, ये लिख सकता डिजीजेस इन, अगर तो चिकन में कोई डिजीजेस आ जाए तो फिर एक मसला है। सेकंड एक मसला क्या आ जाएगा जनाब, आपको पता ना चिकन को इस्लाम के अंदर हलाल किया जाता है, ज़बह किया जाता है बेसिकली, और बाहर मुल्कों के अंदर उसको ज़बह नहीं करते, मतलब पूरी सर खोपड़ी उड़ा देते हैं उसकी, ये हलाल हराम हो जाता है प्रोडक्ट आपका। ओके जी, सवाल ये, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाओ, मतलब आप यूएस, यूएस के अंदर, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस के अंदर जाओ, तो वहाँ पे चिकन आपको मिलती है बिल्कुल गर्दन उड़ाने वाली, ज़बह वाली नहीं मिलती, ज़बह वाली पता ना आधी सर गर्दन ज़बह करते हैं, आधा वो जनाब पर खुद होती है, ये ज़बह की डेफिनेशन ही है। बाहर दुनिया के अंदर गर्दन उड़ाई जाती है, इसका मतलब अब वो हराम हो गया प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन ये है कि अगर केएफसी का एक इमेज यहाँ पर आ जाए कि सर ये वाली चिकन बेचता है, मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। अगर सिर्फ ये खबर हो जाए कि जनाब इनकी चिकन इंपोर्ट होती है, मामला खराब हो जाएगा। फ्रेंड नहीं, इंपोर्ट नहीं होती, ये बीच में मसला शुरू हुआ था, फिर उन्होंने ना खत्म कर दिया। केएफसी के कैचअप इंपोर्ट होते थे, अगर आप उस पर देखो ना, पीछे देखा होता था मेड इन इजिप्ट, उस कैचअप का टेस्ट ही अलग होता था, या आपके इतने सारे जो कैचअप है ना वैसा नहीं होता था। फिर उन्होंने खत्म करके अब यूनिलीवर कनौर के साथ कर दिया उन्होंने कॉन्टैक्ट, अब कनौर के मिलते हैं यूनिलीवर का प्रोडक्ट जो हमारा, पहले वो मेड इन इजिप्ट होता था, अजीब सा नाम होता था उसका, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बोला नहीं, अपना बिजनेस अगर पाकिस्तान के अंदर बचाना है तो जनाब आपकी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एग्री करते हो? तो ये मेरे पास जनाब इसके आपको एग्जाम में जिस तरह मैंने सोल्यूशन लिखा ना, आपको वैसे अंग्रेजी तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन उस तरह से लिखना है। कैसे? आपने ये लिखा स्टाफ, नीचे अंग्रेजी लिख दी, लोकेशन अवेलेबिलिटी एक लाइन की अंग्रेजी लिख दी, एक लाइन की अंग्रेजी तो आई गेस आप लिख सकते हो, डन हो गया। चले सर, उसके बाद अगला है हमारा टोयोटा, टोयोटा को ऐसे ही डिस्कस करते हैं, और अगला है हमारा एप्पल। चले सर आगे बढ़े, हाँ ये लिखना है ना यार, अच्छी बात है लिखोगे तो।
तो जनाब हमने दो केस स्टडी पढ़ी। अच्छा जी, ये दो केस स्टडी आप लोग घर से करेंगे, टोयोटा और एप्पल वाली सोल्यूशन आप लोग को दिया हुआ, आप लोग को पता है। अब आओ जनाब स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए जनाब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं। सुनो, एग्जाम में आपको केस स्टडी ऐसे मिलेगी। ऊपर केएफसी का तुम लोग को पता था, इम्तियाज सुपर स्टोर का आप लोग को पता है, टोयोटा का आप लोग को पता है, एप्पल की कंपनी का आप लोग को पता है, तो उसके ऊपर अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसमें आपको इस कंपनी के बारे में लिखा जाएगा, कंपनी की पूरी डिटेल दी जाएगी, इसी में से आपने डेटा को निकालना है। एग्री करते हो? तो जनाब अब मैं शुरू कर रहा हूं, आपका स्टडी टेक्स्ट का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑन सुपरमार्केट ग्रुप। ये सुपरमार्केट ग्रुप है राइट ऑन का, इस सिनेरियो को पढ़ें, इसके अंदर से स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को निकालें। जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, एग्जाम में आपको इस टाइम के डिट्टू सवाल मिलेंगे। चले सर क्वेश्चन नंबर 5। मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी टेक्स्ट का सवाल है राइट ऑन सुपर मार्केट ग्रुप, राइट ऑन सुपर मार्केट ग्रुप। चले सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही डिट्टू, आपको ऐसे ही जो है वो आपको केस स्टडी मिलेगी डिट्टू, और इसी तरह की रिक्वायरमेंट होगी, इसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आया है, करेंगे हम लोग। चले सर सवाल पढ़े, इसी क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। पढ़े जी, हाँ पॉइंट ही निकालने, बाकी तो अंग्रेजी लिखनी है, एक लाइन की वो तो आप लिख लोगे, अज्यूम कि आप लोग एक लाइन अंग्रेजी लिखना आती है, पक्का ना, अपनी पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर। जी भाई ऑनलाइन वालों, सिनेरियो पढ़ के आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने, रिकॉर्डिंग वालों सिनेरियो पढ़ के आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इन सब जगह पॉइंट लिख दिए, पढ़ेंगे सर। चले बॉस पढ़ेंगे सर, मेरे साथ पढ़ो। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ताकि पता चले कौन से चैप्टर का सवाल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्वॉट एनालिसिस, सर स्वॉट एनालिसिस का पर्पस क्या है, क्या लिखोगे स्वॉट एनालिसिस के अंदर, ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसके अंदर आप लिखेंगे क्या ए पार्ट के अंदर कि जनाब स्वॉट एनालिसिस के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं 4 कैटेगरी के अंदर, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ताकि हमें एक अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन का आइडिया हो कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं और फिर हमें किस पे काम करने की जरूरत है। आपने स्वॉट एनालिसिस को अंग्रेजी के अंदर लिख दिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अब सिनेरियो से लिंक करवा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, कैरीड आउट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर दी राइट ऑन सुपर मार्केट ग्रुप, कोई सुपर मार्केट का ग्रुप है राइट ऑन करके पढ़ेंगे सर। आर राइट ऑन सुपर मार्केट इज द लार्जेस्ट सुपर मार्केट ग्रुप इन द कंट्री, इन स्पाइट ऑफ द डिक्लाइन इन द टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द नेशनल इकोनॉमी लास्ट ईयर, स्पेंडिंग इन द सुपर मार्केट सेक्टर एज अ होल इंक्रीज, क्या कह दिया, एंड राइट ऑन ऑल्सो इंक्रीज इज मार्केट शेयर, सर क्या कह दिया, बोले मेरा भाई मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है लेकिन आपकी कंपनी में ग्रोथ हो रही है, आपकी जो सुपर मार्केट है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। एग्रीड, पढ़े सर, इन स्पाइट ऑफ द डिक्लाइन इन द टोटल, डिक्लाइन को अंडरलाइन करें, डिक्लाइन इन द टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द नेशनल इकोनॉमी, लोगों की स्पेंडिंग खर्चे करने की कुवत कम होती जा रही है, स्पेंडिंग इन द सुपर मार्केट सेक्टर एज होल इंक्रीज, लेकिन सुपर मार्केट में लोग खर्चा कर रहे हैं, राइट ऑन ऑल्सो इंक्रीज मार्केट शेयर, राइट ऑन का मार्केट शेयर भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि पहले अगर उसकी 100 डॉलर की सेल हो रही है तो अब उसकी सेल ज्यादा हो रही है। लेट सपोज आपने एक इलाके के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर सुपर मार्केट खोला है, उस गुलिस्तान जौहर के जो लोग हैं, पूरी जो आबादी है, वो जो खर्चा कर रहे हैं वो कम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में सुपर मार्केट के अंदर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इतिहास के अंदर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सुपर मार्केट के अंदर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और हमारी सुपर मार्केट तो और ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रही है। जिस तरह से समझो इम्तियाज आया मार्केट के अंदर, तो मार्केट इम्तियाज ने मार्केट शेयर कर ली, मार्केट उसने मार्केट जो है ना कैप्चर कर ली, उसका मार्केट शेयर बढ़ गया, अब लोग इम्तियाज के अंदर आते हैं सौदा खरीदने के लिए, लोकल मोहल्ले की दुकानों में कम जा रहे हैं, छोटी मोटी चीजें होती ना सिर्फ वो खरीदी जा रही है। एग्री करते हैं आगे, इट्स नाउ हैज ओवर 20% ऑफ द शेयर ऑफ फूड एंड ड्रिंक शॉपिंग इन द कंट्री, इट ऑल्सो एंजॉयिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ द नॉन फूड प्रोडक्ट सच एज द क्लॉथिंग, इट हैज ओन ब्रांड्स ऑफ द फैशन क्लॉथ एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल फूड्स। जी सर मुझे स्ट्रेंथ बताना शुरू करें,
बताओ लड़के, चीजें बताओ इस पैराग्राफ के अंदर से क्या क्या हाईलाइट किया। हमने बोला सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 20 स्ट्रेंथ का मतलब जो इंटरनल फैक्टर है जो हो चुका है जिसकी वजह से आपका मार्केट प्रोडक्ट बिकता है, 20% ऑफ मार्केट शेयर किस किस का, फूड एंड ड्रिंक का, एग्री करते हो। और आपके पास नॉन फूड प्रोडक्ट ओन ब्रांडिंग है ना, अपने ओन ब्रांड बने ना आपके, ओन ब्रांडिंग, ओन ब्रांडिंग ऑफ फैशन, ये स्ट्रेंथ है सर आपकी। एंड डोमेस्टिक, अच्छा आगे, इट ऑल्सो एंजॉइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है आपके पास। आगे द ग्रुप हैज जस्ट अनाउंस रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड द ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ द साइन ऑफ द वीकनेस इन द नेशनल इकॉनमी। नेशनल इकॉनमी खराब होती जा रही है, पाकिस्तान के हालात समझो खराब होते जा रहे हैं, क्या इन स्टोर्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, इम्तियाज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। जाहिर सी बात है जब लोग के हालात खराब है, तनख्वाहें कम है, तो इनके ऊपर भी इंपैक्ट कम आएगा जनाब। ये मेरे पास क्या है, थ्रेड है, एग्री करते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको सर, मैं इसको बोल सकता हूँ जनाब वीकनेस इन द नेशनल इकॉनमी। आगे हाँ सर, उसके बाद है मेरे पास जनाब राइवल सुपरमार्केट ग्रुप, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, राइवल को अंडरलाइन करें, आपके कॉम्पिटिटर, राइवल का मतलब आपके वो कॉम्पिटिटर जो बिल्कुल आपसे कनेक्टेड है, चेज इम्तियाज कॉम्पिटिटर है, एग्री करते हो। राइवल सुपरमार्केट ग्रुप हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन लॉस मार्केट शेयर। आपके मार्केट शेयर बढ़ गया, इम्तियाज का मार्केट शेयर बढ़ गया, और ये क्या नाम है इसका, बिन हाशिम का कम हो गया। अब ये बिन हाशिम वाले जो ना अपना मार्केट शेयर वापस कैप्चर करना चाह रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं भाई तू इम्तियाज ना जा मेरे पास आ जा। उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, टू राइवल ग्रुप्स मर्ज अ ईयर अगो। सर दो राइवल ग्रुप का मर्जर हो गया, ये इम्तियाज के लिए थ्रेट होगा कि जनाब बिन हाशिम और चेस का मर्जर हो गया, इम्तियाज के लिए थ्रेट होगा बिल्कुल होगा सर। तो ये इनके लिए थ्रेट है टू कॉम्पिटिटर का मर्जर, मानते हो। आगे another competitor was acquired a few years ago by a major US supermarket and in pursuing an aggressive competitive strategy। sir आपका पहले ही हो चुका है, पहले ही जो है एक साल पहले एक मेजर ग्रुप का वो मेजर यूएस सुपरमार्केट, उन्होंने भी उनका भी समझो मर्जर हो चुका है, इसका मतलब आपके पास जो है बड़ा जबरदस्त एग्रेसिव कंपटीशन होने वाला है, आगे राइट ऑन सक्सेस इज ड्यू पार्टली इन द रेपुटेशन ऑफ द लो प्राइस एंड द रीजनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एफिशिएंट स्टोर। जी सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉस लो प्राइस मानते हो और रीजनेबल क्वालिटी और एफिशिएंट इन स्टोर सर्विस। स्टोर के अंदर आप जाते हैं तो लोग अच्छे अखलाक से आपसे बातें करते हैं, जो बंदे होते हैं उनसे अगर आप पूछो तो आपको सही से जवाब देते हैं, बदतमीजी से जवाब नहीं देते, एग्री करते हैं बॉस। आगे द ग्रुप कंटिन्यू टू एक्वायर लैंड एंड टू परचेज रिटेल प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ द बिल्डिंग मोर आउट ऑफ टाउन स्टोर इन स्मॉलर इन टाउन कन्वीनियंस स्टोर। सर ये मजीद स्टोर खोल रहा है, जमीन जायदाद खरीद रहा है ताकि और स्टोर खोली जा सके, बोले तो अपॉर्चुनिटी। सर क्या अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने लिखा, आपने बोला सर मोर आउट ऑफ टाउन स्टोर एंड स्मॉलर इन टाउन। आगे There is a some concern. नहीं खा गया मैं। It does not have any business operation outside the country. सर ये वीकनेस के अंदर नहीं आएगा, आउट होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन तो जरूरी है ना भाई। हाँ नहीं नहीं ये बोल रहे हैं कि इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री। पाकिस्तान से बाहर जो है ना इम्तियाज का कोई सुपर स्टोर नहीं है,
नहीं है, ये बेसिकली डाइवर्सिफाई नहीं है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की अगर हालात खराब हुए तो इम्तियाज के ऊपर हिट आएगी, आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा सर। एक आध आपको बांग्लादेश इंडिया में भी स्टोर खोलना पड़ेगा। स्पेंड नहीं कर रहे ना, लिखा ना। अच्छा हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अपॉर्चुनिटी में लिख सकता है, अपॉर्चुनिटी में लिख सकता है। आगे देर इसको हम लिख लेते हैं ना, आउटसाइड कंट्री बिजनेस कर सकते हैं। वीकनेस के अंदर लिख सकते हैं जनाब इनका कोई आउटसाइड कंट्री बिजनेस नहीं है, होना चाहिए। क्यों? मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब सर मुल्क के ऊपर हिट आएगी तो यहां पे भी हिट आएगी भाई। मुल्क के अंदर हिट आएगी तो आपकी कंपनी में भी आएगी। तो भाई आप ऐसे मुल्क में काम करें जहां के लोगों के पास बहुत पैसे हैं। यूएस यूएस में काम करें, यूरोप शोरप में काम करें, वहां पे लोगों के पास बहुत पैसे हैं। आगे देर इज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द ग्रो फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग इट्स नियर मोनोपोली पोजिशन इन द मार्केट। जी सर क्या फरमा रहे हैं सर, गवर्नमेंट एक एक्शन। आपको पता है दुनिया के अंदर मोनोपोली चलती नहीं है। मोनोपोली का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी भी है, कि जनाब एक ही सप्लायर है वही सबकी नीड पूरी कर रहा है। जैसे कि रेलवे, अगर आपने पाकिस्तान अगर आपने बाय रेल ट्रेवल करना है तो जनाब आप जो है ना ट्रेन में रेलवे में सफर करेंगे, रेलवे को आप यूज करेंगे, इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते, वो बेसिकली मोनोपोली है। अगर आपको कराची में बिजली चाहिए तो आपको के इलेक्ट्रिक खरीदनी पड़ेगी, उनकी मोनोपोली है। दुनिया में मोनोपोली सिस्टम ना चलता नहीं है। दुनिया के अंदर गवर्नमेंट जो है ना वो मोनोपोलीज को नहीं लाते, वो बल्कि किसको लाते हैं, वो कंपटीशन को लाते हैं ताकि उससे कस्टमर का फायदा हो। कंपटीशन जहां पे कंपटीशन, जिस चीज में कंपटीशन होगा ना वहां पे इकॉनमी बूम करेगी, वहां पे कस्टमर का फायदा होगा, वहां पे इनोवेशन होगी, वहां पे नई टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। ऐसा ही है, पुराने जमाने में अगर तुम याद करो सिर्फ पीटीसीएल होता था, फिर जैज और यूफोन आए, दो सिस्टम होते थे। कंपटीशन अभी भी इतना नहीं था, अपने मर्जे से भाई, हमने तो वो दौर देखा है, 8 रुपए पर मिनट की कॉल होती थी, SMS जो है ना 2 रुपए का होता था, हमने तो वो दौर देखा है। एग्री? अब जब कंपटीशन आ गया, टेलीनॉर भी आ गए, ये भी आ गया, वो भी आ गए, जोंग भी आ गए, उससे पहले पता नहीं और भी आए थे, चले गए, तो उसका मतलब उन्होंने कंपटीशन लेकर आ गए, इंडस्ट्री बूम कर गई। अब देखो ना कॉल क्या फ्री है, फ्री है, इंडस्ट्री बूम कर गई, तो वो तो होना चाहिए। एग्री? तो सर गवर्नमेंट जो है ना इस चीज को वो नहीं करती, पसंद नहीं करती कि मोनोपोली, जहां पे मोनोपोली होती है ना वहां पे इकॉनमी बूम नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमने बोला सर कि अभी तो हमारे पास चलो 3-4 गाड़ियां बेचने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो लाइन लगी पड़ी है ना गाड़ियां बेचने वालों की, तो हम तो बोलेंगे इन 3-4 कंपनी की मोनोपोली है। बोला मोनोपोली तो ना बोलो, लेकिन 3-4 कंपनियां यही बेच रही है। आप पूरी दुनिया की कंपनी को बोलो भाई प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे पूरी दुनिया में गाड़ी बनाने वाली कंपनीज है। एग्रीड? आइए बॉस, हमने बोला जनाब, हमने बोला सर यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट मोनोपोली, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जनाब एक्शन ले सकती है। ये हमारे लिए थ्रेड है, ये हमारे लिए थ्रेड है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। क्या आप लोगों ने ये पॉइंट लिखा, और कुछ लिखा इसके अलावा? सभी लिखा पक्का? वो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इंटरनल नहीं है, ये दोनों तो इंटरनल होते हैं ना। डन हो गई बात भाई? हो सकता है कि किसी में पॉइंट ना हो। देखो इस पॉइंट के ऊपर ना मुझे थोड़े हैं, ये पॉइंट हम ना भी लिखे ना तब भी चलेगा। तो आप अगर कोई पॉइंट ना हो ना तो आप लिख देना कि इस सिनेरियो के अंदर इस कंपनी में कोई वीकनेस नहीं दिख रही, यूं करके लिखेंगे हम। ये मुश्किल है क्या? ये MFA की थ्योरी है भाई, जस्ट ये और आपका कॉमन सेंस। मुझे नहीं लग रहा कैलकुलेशन के लिए टाइम बचेगा, हमें चैप्टर को कंप्लीट कर लेते ना आज, ताकि हमारा स्वॉट खत्म हो जाए। क्यों भाई थक गए? चले सर देखें स्टडी टैक्स वालों ने क्या लिखा है, स्टडी टैक्स वालों ने क्या लिखा है, पढ़े भाई, अब खत्म करेंगे ना चैप्टर को भाई। चले सर क्या लिखा है इन्होंने, देखेंगे सर। बी वाले में स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी स्ट्रेंथ है, ग्रोथ इन दी नॉन फूड बिजनेस है, लार्ज इंक्रीज इन दी मार्केट शेयर है, रेपुटेशन ऑफ लो प्राइस है, रेपुटेशन ऑफ गुड सर्विसेज है। ठीक है सर हमने भी लिखा है। वीकनेस के अंदर इन्होंने क्या लिखा, नो वीकनेस आर अपेरेंट इन दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इन्होंने बोला सर कोई वीकनेस इस क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो में नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है, कंटिन्यूस ग्रोथ इन दी साइज ऑफ दी मार्केट शेयर, फर्दर आउट ऑफ
टाउन एंड इन टाउन एक्सपेंशन, ठीक है सर। थ्रेड में क्या हाई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, जिन्होंने इस स्टोर में पैसे लगाए हुए हैं वो मजीद आपसे प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एक्टिविटीज ऑफ द कॉम्पिटिटर, पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट द मोनोपोली। सर हमने तकरीबन वही बातें लिखी हैं, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। चलें सर अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ए जेड ग्रुप, हाँ खत्म, बस यही है, खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, 5 किया ना अभी हमने, तो 6 आएगा ना। ए जेड ग्रुप, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना यार। चले सर अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए जेड ग्रुप पढ़ेंगे भाई। चले यार आप पढ़ेंगे भाई। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैरी आउट द स्वॉट एनालिसिस। चले सर स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ए जेड ग्रुप इज अ ग्रुप इज ए जेड ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। अंडरलाइन कर लें जना फार्मास्यूटिकल को, फार्मा कंपनी है। It was created 5 years ago by the merger of entity A with the entity B. 5 साल पहले बनी है और दो कंपनी के मर्जर से बनी है AZ. The group operation are based mainly in the Western Europe and the North America. ये लोग यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में काम करते हैं। The North America market currently account for 40% of the world sales of the pharmaceutical companies. यानी कि नॉर्थ अमेरिका की जो सेल्स है वो दुनिया की सेल्स का 40% है। In the past 2 or 3 years, 2-3 साल पहले, AZ has been involved in the clinical trial in the countries in the South America and Asia. South America और Asia में मुल्क में लोग काम करना चाह रहे हैं। Aim at developing new medicinal drug. Clinical trial पता नहीं क्या होता है, आपने एक दवाई बना ली, रिसर्च कर ली, अब उसका ना क्लिनिकल ट्रायल हो, कुछ लोगों पे आजमाएंगे, फिर चेक करेंगे या उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है, वो सारा हो रहा है। ये हम लोग कर कहाँ पे रहे हैं, ये हम लोग हरकत कर रहे हैं साउथ अमेरिका में और एशिया के अंदर। दीज कंट्रीज वर सेलेक्टेड बिकॉज रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर मेडिकल रिसर्च आर लेस स्ट्रेंथेंड देन द US, Canada और द वेस्टर्न यूरोप। सर इन दुनिया इन मुल्कों में क्यों जाके कर रहे हैं, यहाँ पे कानून जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है। आपने अगर ट्रायल कर दिया, किसी बंदे को मार भी दिया ना, फर्क नहीं पड़ने वाला। एशिया पाकिस्तान कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चले सर यहाँ पे आइडेंटिफाई करें आगे। हाँ सर मैं कह सकता हूँ क्लिनिकल ट्रायल के आगे पढ़ लेते हैं। द ग्रुप हैज सफर्ड सम सेटबैक्स इन द बिजनेस इन द पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों के अंदर ना कुछ इनमें हुई हरकतें। क्या हरकतें हुई हैं? There have been a serious concern among the public and the medical profession about the safety of one of the AZ most successful drug, Karora. इन्होंने बोला सर एक दवाई है और जो पब्लिक है और जो मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर वॉक्टर जो है ना वो उससे खुश नहीं है। थ्रेड है सर, थ्रेड है एक्सटर्नल के इंटरनल, एक्सटर्नल ये थ्रेड बाहर की तरफ से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ यार इधर जी सर क्या लिखेंगे हम इसको, सेफ सीरियस कंसर्न। हाँ हाँ सीरियस कंसर्न अमंग पब्लिक एंड मेडिकल प्रोफेशन। बात मानते हैं भाई, थर्ड ही थ्रेड आगे। अ न्यू ड्रग डेवलप्ड बाय द एजेड फेल्ड टू ऑब्टेन द रेगुलेटरी अप्रूवल इन द यूएस। अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम द नेशनल रेगुलेटर बिफोर इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। दवाई बनाने के बाद ना यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपने दिया कि सर हमने दवाई बनाई है खांसी वांसी की, किसी की भी जरा चेक कर लो ये सही है कि नहीं। उन्होंने उसको उठा के फेल कर दिया। कहाँ फेंको? वीकनेस के अंदर। क्यों? इंटरनल मैटर है, आपने बनाई गलत है ना यार, क्वालिटी सही नहीं है आपकी, क्वालिटी सही नहीं है, बनाई हमने गलत है, जभी तो है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर, मैं इसको बोलूंगा जनाब के फेल टू ऑप्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल।
बात मानते हैं। आगे, another new drug that AZ has been developed had disappointing clinical trial. Clinical trial are carried out before further testing and application to the national regulatory for the approval. क्या मतलब हुआ भाई? Another new drug that has been developed has been disappointed. Clinical trial में ही खराब हो गई, कहाँ जाएगी? Weakness के अंदर. Fail in clinical trial. बस नहीं भाई, पहले दवाई बनाई जाती है, कुछ लोगों पे तजुर्बा किया जाता है, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जाती है, फिर मार्केट में फेंका जाता है। तो सर इनके मामला थोड़ा खराब। R&D spending account for a substantial promotion of the total annual expenditure of AZ Group other than pharmaceutical. सर ये लोग रिसर्च रिसर्च में बड़ा खर्चा मर्चा करते हैं, कहां जाएगा भाई ये खर्चा? रिसर्च में बड़ा खर्चा करते हैं, क्या फार्मास्यूटिकल को रिसर्च पे खर्चा करना चाहिए? यस सर, काम ही उनका यही है। तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ है ना भाई, जितना ज्यादा इस पे खर्चा करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना ज्यादा अच्छा है, उतना नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आएंगे। और सर अपॉर्चुनिटी में क्या जाएगा? ये लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? नॉर्थ अमेरिका ना साउथ अमेरिका, क्या नाम था? साउथ अमेरिका। अपॉर्चुनिटी क्या सर? ये लोग साउथ अमेरिका एंड एशिया में काम करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या है सर? ये ऐसा ही है, सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट ऊपर R&D करके लिखा है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कागज से पढ़े ना, हैंड आउट दिए ना। मैंने भाई अब देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। आओ मेरे भाई, भाई एग्जाम में सारी चीजें लिख पाओगे ना भाई? पक्का ना, आसान है यार, मैं हर से लिख लेंगे। चले सर, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? लार्ज कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट इन द R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वीकनेस के अंदर क्या? ऑपरेशन आर बेस्ड इन द वेस्टर्न यूरोप इन द नॉर्थ अमेरिका, हाई लेबर कॉस्ट इन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर कंपनी। यार ये बात तो लिखी नहीं है, कहाँ लिखी हुई है? हाई लेबर कॉस्ट और कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर कंपनीज, ये बात है, ये काट दो सोल्यूशन में से, ये थोड़ी लिखा हुआ है। अब मेरे को क्या पता वेस्टर्न यूरोप, इन्होंने पता है क्या लिखा हुआ? इन्होंने लिखा वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ना ये सारी चीजें होती हैं उनको वो देख के लिख दिया। हमें तो सिनेरियो बेस देख के लिखना है ना, ये काट दो। क्लिनिकल फेलियर फॉर द न्यू ड्रग, यस सर ये तो हुआ है सर, क्लिनिकल फेलियर हुआ है सर, लोगों के ऊपर तजुर्बा किया, बंदे मर गए, मर गए मतलब सही कामयाब नहीं रहा। अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ इन द मार्केट फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आउटसाइड द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप, लिखा हमने अपॉर्चुनिटी का सर। इस्टेब्लिश ऑपरेशन इन अदर कंट्री, ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि लेबर वगैरह आजादी क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है, तो मैं तो जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा वो लिखूंगा। थ्रेड क्या है? पब्लिक कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग, बिल्कुल सही, हमने भी लिखा। कंसर्न अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड अबाउट द रेगुलेटरी डिसीजन बाय द नेशनल अथॉरिटी, हाँ ये हम लिख सकते थे, ये हम लिख सकते थे कि सर आप जो ना वो वेस्टर्न यूरोप वगैरह में काम कर रहे हैं वहां पर रेगुलेशन वगैरह स्ट्रांग है, जहां पर रेगुलेशन वगैरह स्ट्रांग होंगे तो जनाब वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है कि जनाब दवाइयां बना, हमारे यहाँ तो खैर है ना एशिया विशिया में तो चल जाती हैं, एशिया में तो वो जो आपके हमदर्द हमदर्द के दवा खाना और ये सारी चीज़ें मिलती हैं ये कोई टेस्टेड थोड़ी होती हैं। एक खांसी का शरबत मिलता है ना बनफ्शा शहतूत करके, ये कोई वो थोड़ी है, क्लिनिकल कोई अप्रूवल थोड़ी है। हकीम साहब की जो दवाइयाँ मिलती हैं कोई क्लिनिकल अप्रूवल थोड़ी है, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ मिलती हैं कोई क्लिनिकल अप्रूवल थोड़ी है भाई, किसी ने रिसर्च थोड़ी की है, ये तो ऐसे ही बस चल रहा है। अबे चलना कहाँ से है, कोई नहीं है, दुनिया नहीं मानती होम्योपैथी को भाई, दुनिया नहीं मानती होम्योपैथी को, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं होता भाई ये, हाँ अबे दुनिया नहीं मानती भाई, US नहीं मानता, सबसे बड़ा मेडिकल का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो US के अंदर है, US रेगुलेटरी एंड ड्रग अथॉरिटी कुछ करके है, ड्रैप ड्रैप करके कुछ नाम है उसका एब्रिविएशन, वो नहीं मानता, बोलता बेकार है, हमारे यहाँ तो सब बिकता है ना यार, हकीम साहब की दवाई खुली है, कौन सा दवा खाना है? फरजाना दवा खाना, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, कोई टेस्टेड टेस्टेड है भाई, सब चल रहा है, सब पाकिस्तान है भाई, दुनिया में ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, तुम लोगों को ऐसे बेच रहे हो, रश लगा हुआ है होम्योपैथी की। अब कुछ दुकानें हैं वहाँ पे अगर आप जाएँ, पता नहीं कौन से यार एरिया जहाँ पे हलीम हलीम मिलता है यार मशहूर, समनाबाद की तरफ एक इलाका है गुलबर्ग की तरफ, वहाँ पे रश लगा हुआ था होम्योपैथी के क्लिनिक है भाई, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, दे दो दो तीन तीन घंटे वेटिंग है, 500 रुपये की दवाई देना पुड़ी पुड़िया में बना के ना, चल रही भाई कोई टेस्ट कोई कुछ नहीं,
हाँ हाँ उसके अंदर रिजिडिटी वो चीजें नहीं नीचे बच्चों की नहीं आती, वो बच्चों के दांत वात निकल रहे होते हैं आपके घर में, कोई छोटे बहन भाई को खाला वाला वहाँ के बच्चों के बच्चों के दांत वात निकल रहे होते हैं ना, तो वो गोलियाँ आती हैं होम्योपैथी की, वो क्या कह रहा नहीं, वो 21 नंबर की गोली कहलाती है कोई ना, हाँ कुछ होती है 21 नंबर की गोली, हाँ हाँ मैं बेटी को दी ना मैंने तो मुझे पता है, तो वो आप उसको दो तो उसके दांत वात सही निकल रहे होते हैं, सही है वो उसको दर्द दर्द कम, वो बेसिकली पेन किलर है सॉर्ट ऑफ, बच्चा खाएगा पेन किलर तो हर कोई खाएगा, वो तो मस्त हो जाएगा, बच्चे के दांत निकलेंगे तो मसूड़ में स्वेलिंग वगैरह दर्द हो ना, अब वो कहते हैं यार बच्चा खा रहा है सेट है मजे से खेलता है, खेल नहीं ना, वो पेन किलर तुमने उसको दी, उसको पेन किलर का आदि बना रहे हो, डॉक्टर मना करते हैं वो दवाइयाँ देने से, बोलते हैं भाई ये नेचुरल है खुद ही आएंगे दांत, बच्चा खुद ही बर्दाश्त करेगा, ये जब से दुनिया बनी है जब से कॉमन चलता हुआ आ रहा है, हमारे यहाँ तो सब चलता है ना यार। चले सर अगला सवाल, नहीं अभी खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म खत्म। अच्छा एक होमवर्क दे दूंगा अभी अभी पढ़ लें बस लास्ट, नहीं नहीं एम सी क्यूज भी है भाई, हाँ सिर्फ एम सी क्यूज होमवर्क है, सोचेंगे एक तो कर लो यार एम सी क्यूज कर लेते, एक सवाल कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कर ले बस, क्वेश्चन नंबर 7 तो छोटे से पढ़ना वढ़ना थोड़ी है, बस देखते रहो चीजें पिक करते रहो, इसमें है क्या चीजें पढ़ पढ़ के उसमें से डेटा निकालते रहे, ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग कर क्या ना भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और MCQs हाँ? कल नहीं है क्लास, जुमेरात को मैं क्लास नहीं लेता, जुमेरात को मैं क्लास नहीं लेता, जुम्मे को यार मैं सोचता हूँ भी देखता हूँ थोड़ा, सर नमाज का टाइम हो गया है, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 7, 8 और MCQs ये आपने करने हैं और फिर हमारी लास्ट क्लास होगी SWOT की, SWOT हमारा खत्म हो जाएगा, ओके जी फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा BCG मैट्रिक्स, वो भी बड़ा जबरदस्त है, फिर सारे सारी थ्योरी हमारी ऐसी है, थोड़ा सा सोचने वाली, थोड़ा सा सोचने वाली, सोच के डेटा निकालने वाली, डन है जनाब। चलें सर आज की क्लास को उम्मीद करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।